मैनेजमेंट की बात करूं मैनेजमेंट में मैं कहता हूं मैं एचआर में काम कर रहा हूं अब एचआर के अंदर दुनिया जान के डिफरेंट टॉपिक्स हैं अब क्वेश्चन ये है टॉपिक तो है अब कौन सा टॉपिक है उसका एरिया कौन सा बनता है उसमें उसकी नॉवल्टी क्या है उसमें गैप क्या है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है टॉपिक जो है सबसे बड़ा चैलेंजिंग रिसर्च को स्टार्ट लेने में एक दफा अगर आपको टॉपिक मिल जाए या आप टॉपिक तक पहुंच जाए फिर आगे सर्च करना आपके लिए ऐसा कोई इशू नहीं है इसी वजह से स्टूडेंट यूजुअली जाते हैं सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को कहते हैं सर टॉपिक बताएं सुपरवाइजर उनको डायरेक्ट टॉपिक नहीं बताता वो कहते हैं जाएं सर्च करें पहले खुद अब एक नया बच्चा एक नया स्टूडेंट वो किस तरह सर्च करें भाई आप जाए गूगल करें किसी भी चीज को क्लिक क्लिक करें मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स निकलेंगे अब में आप हैरान रहोगे कि यार मैं किस आर्टिकल पे जाऊं किस चीज को चेक करूं किस टॉपिक को लूं कहां पे गैप है कहाँ पे नावल्टी है कहाँ पे उसका स्कोप है उस टॉपिक को मैं चूज करूँ तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम क्या है टॉपिक है लेकिन उसके लिए उसका सिंपल हल क्या है कि आप सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूं मेरा एरिया एच आर एम है ठीक है मैं क्या करूंगा मेरे पास जो इंडेक्सिंग जर्नल्स होंगे ठीक है मैं उनको सर्च करूंगा और उस जर्नल में मेरी कोशिश ये होगी जो रिव्यू पेपर्स होंगे मैं उन पेपर्स को टारगेट करूँगा रिव्यू पेपर्स कौन से हैं रिव्यू पेपर्स वो हैं जो एक एक्स वाई रिसर्चर क्या करता है कोई बीस सालों का जो है आर्टिकल्स को कंपाइल करता है एक पेपर की शक्ल में उसको हम कहते हैं रिव्यू पेपर्स फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा मैं कहता हूँ एच में एक टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन अब आइडेंटिफिकेशन पे लेट सपोज अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कोशिश सबसे पहले मेरी यह होगी कि मैं रिव्यू पेपर्स इसके अंदर ढूंढ लूं अगर आपको रिव्यू पेपर्स इसके अंदर मिल गए तो उससे जरा सा आपको अंदाजा होगा कि इस पेपर में ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका होगा ठीक है फिर सेफ साइड आप क्या करोगे उस रिव्यू पेपर को आप पढ़ोगे इस रिव्यू पेपर्स को कभी आप गलती से पढ़ें तो शायद आपको समझ ही नहीं आएगी आप एक दफ़ा पढ़ें दो दफ़ा पढ़ें तीन दफ़ा पढ़ेंगे आ, मैं इनशाला आपको बड़े दावे के साथ कहूँगा आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी वो चीजें अगर आपको समझ आ गई फिर उसमें से आपने क्या करना है कोई गैप निकालना होगा आपको क्योंकि रिव्यू पेपर्स में होता क्या है किसी स्पेसिफिक पीरियड को वो लोग ले, ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 2020 से ले के, 2023 तक जितने भी पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं इस एरिए में उसने सारे रिव्यू किए होते हैं अब होता क्या है जहाँ पे 100-200 आर्टिकल्स ने उन 200 आर्टिकल्स ने एक बंदे ने एक पेपर के अंदर उसको रिव्यू करके कंपाइल किया है जब आप उस एक पेपर को पढ़ोगे तो आपके सामने बहुत सारे रिसर्च गैप निकल जाएगा ठीक है तो आप यहां से भी अपने टॉपिक को या रिसर्च गैप को रिव्यू पेपर्स के बेसिस पे निकाल सकते हैं फर्स्ट सेकंड, जर्नल पेपर्स ठीक है आर्टिकल्स आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स जो आई इंडेक्स हों आई इंडेक्स में हमारे पास थोमसम रूटर्स आता है आप कोशिश करें जब सर्च करेंगे वेब वेब ऑफ ऑफ साइंस साइंस, एक वेबसाइट है। हर वेब कोई नहीं खोल सकता ये कहीं पे भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं ये अथराइज ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है ठीक है अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी में भी नहीं है शायद अन करीब हमें जब डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस दे देंगे तब जाके हम इसको एक्सेस करेंगे इस वेब ऑफ साइंस में आप कोई भी आर्टिकल निकालोगे उस आर्टिकल की अपनी एक वर्त होगी ठीक है लोग क्या करते हैं हम वेब ऑफ साइंस को सर्च नहीं करते हम क्या करते हैं सिंपल गूगल स्कॉलर पे जाते हैं हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और गूगल स्कॉलर से जो है चीजों को एक्सेस करते हैं अब गूगल स्कॉलर का मसला यह है कि गूगल स्कॉलर आम खास किसी भी इंडेक्स ले, लेवल का पेपर जो है उसमें आ जाता है उसको फिर सर्च करना उसकी वर्थ को देखना बहुत मसला होता है ठीक है इन पेपर्स पे जरा सा ट्रस्ट करना जरा सा मुश्किल होता है ठीक है जिस तरह हम सिंपल गूगल करते हैं उसका तो कोई रिलायबिलिटी नहीं और फिर जब गूगल स्कॉलर की बात करते हैं उसका स्टैंडर्ड फिर भी बेहतर रहता है अगर आप वेब ऑफ साइंस की बात करें तो इसके जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो रूटर्स के होंगे और ये जो है इंटरनेशनल लेवल के होंगे और इन पेपर्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता होता क्या है रिसर्च में हम क्या करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च गैप को एक आम आर्टिकल से उठा के कह देते हैं कि ये मेरा रिसर्च गैप है एक अच्छा रिव्यूअर आपके टाइटल से पहले आपके रेफरेंसेस को सबसे पहले चेक करता है आप बड़े हैरान होंगे कि यार ये किस तरह आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका जो पेपर होगा एक अच्छा रिव्यूअर टाइटल को देख के डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं जाएगा वो आपके जो है रेफरेंसेस पे जाएगा रेफरेंसेस में चेक करेगा कि एचआरएम के अंदर जो गुरुज हैं जो सही मानों में रिसर्चर्स हैं क्या उनके पेपर्स इसने ऐड किए हैं या नहीं किए हैं अगर उनके एक पेपर भी नहीं हुए तो उस थीसिस को उस पेपर को साइड पे रखेंगे कहता है इसने काम किया ही नहीं है ये ऐसी बात है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक एक बंदा किसी चीज का फाउंडर हो और उसका आपने रेफरेंस कहीं पे कोट किया ना हो और उसी की बातें आप करें तो लोग कहेंगे कि ये वैसे अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं तो इस वजह से रेफरेंसेस लोग जो है डायरेक्ट चेक करते हैं उस रेफरेंसेस से बचने के लिए फिर आपके पास यही एक सहारा है कि आप वेब ऑफ साइंस पे चले जाएं। पे नहीं जाते लेट सपोज आपके पास एक्सेस नहीं है फिर हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस हैं, डायरेक्ट साइंस के नाम से ठीक है आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, आपको दुनिया जान जर्नल्स मिलेंगे फिर आपके पास एमेराल्ड है एमेराल्ड पे चले जाएं, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे मिलेंगे वेले ठीक है इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे फिर है स्प्रिंगर इस पे चले जाए इस पे भी आपको जो है बेहतरीन किस्म के जर्नल आई इंडेक्स के पेपर सारे के सारे आपको यहां से मिलेंगे अब क्वेश्चन है है एक आम ये कहता है कि सर इसमें से मैं जो जर्नल्स पिक करता हूँ उनका एक्सेस होता नहीं है हमारे पास हम उन आर्टिकल्स को किस तरह एक्सेस करें तो उसके लिए एक खातून है उसने एक लिंक बनाया है साब के नाम से हब के नाम से उसने बनाया इस लिंक को आप खोल लें और इस किसी भी जर्नल का किसी भी आर्टिकल का यूआरएल लिंक उठा लिंक आप यहां पे क्लिक करें और उसको सर्च करें वो डायरेक्ट आपका डाउनलोड कर लेगा ठीक है तो इस तरीके से आप अच्छे से अच्छे जर्नल को फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे ठीक है तो मैंने बात की इन जर्नल्स की फिर हम आते हैं अगर जर्नल की बात करते हैं लेट्स सपोज आप कहते हो अगेन मुझे जो है रिव्यू पेपर से भी कोई फीडबैक नहीं मिल रहा या कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनके रिव्यू पेपर्स नहीं होते हैं और जिस एरिए में रिव्यू पेपर्स ना हो इट मींस के वहाँ पे उस पेपर का उस टॉपिक का स्कोप अभी भी है जिनमें रिव्यू पेपर आ जाते हैं इट मीनस कि इस एरिया में बहुत ज्यादा काम हो चुका होगा और फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक की बारे में बात करूं, जॉब सेटिसफेक्शन की बात करूं। जॉब सेटिसफेक्शन के बारे में इतना काम हो चुका है कि आप दो से तीन रिव्यू पेपर्स निकाल सकते हैं ठीक जब दो से तीन रिव्यू पेपर्स हों इसका ये मतलब है कि अब ऑलमोस्ट इस पे इतना ज्यादा काम हो चुका है मजीद काम करने की मेरा ख्याल से ज़रूरत नहीं है तो उस कंडीशन में आप फिर क्या करें अगेन आप जर्नल्स पे चले जाए जर्नल में जर्नल के आखिर में यूज़ुअली फ्यूचर वर्ड्स उन्होंने मेंशन किया होता है फ्यूचर वर्ड्स या फ्यूचर डायरेक्शंस। आप क्या करें उस जर्नल के फ्यूचर वर्ड्स को पढ़ें या फ्यूचर डायरेक्शंस को पढ़ें उससे भी आपको अपने काम के बारे में आइडिया हो सकता है आपको ये अंदाजा होगा कि अब मजीद इसमें काम हो सकता है लेकिन आपने उस पर भी एक चीज का कर ख्याल करना होगा कि वो पेपर लेटेस्ट पेपर होना चाहिए ये ना फ्यूचर वर्क दिया है बंदे ने आतर ने लेकिन वो पे, पेपर पब्लिश हुआ है 2015 में इट मीन्स के इन सात सालों के दरमियान लाजमन किसी ने उस पर काम किया होगा तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए आप क्या करें जब भी टॉपिक चूज करना चाहें लेटेस्ट आर्टिकल्स को लेटेस्ट आर्टिकल क्या है लास्ट वन ईयर के लास्ट वन ईयर के पेपर्स को आप उठाएं और वहाँ से टॉपिक चूज करें वहां से रिसर्च गैप निकालें उस पे काम करें तो वो काम आपके लिए मसला नहीं होगा रीजन क्या है जो बैक फाइव ईयर पे लोग चले जाते हैं उनका मसला ये होता है कि मजीद अब आप पाँच साल उस पर लगाओगे चार साल लगाओगे तो उस काम पे शायद किसी और ने भी काम किया होगा तो आपकी उस एरिया का कोई वर्त नहीं होगा तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप एरिया पकड़े, वो वो एरिया होना चाहिए जो लेटेस्ट उस पर काम हुआ हो उसकी ज्यादा वर्त होती है उस पर काम आगे जाके हो सकता है ठीक तो ये पेपर्स ले और जर्नल पेपर में भी हमारे पास एक होता है कंसेप्चुअल पेपर दूसरा होता है इंपेरिकल पेपर कंसेप्चुअल पेपर्स को ना पढ़ें, कभी भी ना पढ़ें। कंसेप्चुअल पेपर सिर्फ आपको कंसेप्ट आइडिया देता है अपने पेपर के बारे में उसमें रिजल्ट्स नहीं होते हैं उनके रिजल्ट्स के बगैर उस पेपर को आप कहीं पे कोट नहीं कर सकते हो कि इस चीज से जो है ये क्या मुराद लेना चाह रहा है इसका पर्पज क्या है जब भी पेपर लें एम्पेरिकल पेपर को लें जो डेटा उस पर हो डेटा एनालाइज किया हो रिज़ल्ट जिसमें हो, प्र हो उस पेपर को लें उसको कोट करें उसकी आगे जाके वर्थ होगी लोग उस चीज़ के बारे में एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को ठीक है तो टॉपिक चूज़ करने में इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा जब आप टॉपिक चूज़ करेंगे नेक्स्ट आपके पास क्या होगा सबसे पहले टाइटल तो हम आखिर में लिखते हैं लेकिन मैं अगर सीक्वेंस को ले लूं, तो हमारे पास प्रोपोजल में टॉप पे क्या आता है टाइटल आता है अब टाइटल में कुछ चीजें आपको अपने माइंड में रखने होंगे कि टाइटल आपके जो टाइटल के वर्ड्स हैं दैट शुड नॉट बी मोर देन फिफ्टीन वर्ड्स पंद्रह वर्ड से ज्यादा आपका टाइटल नहीं होना चाहिए अगर आपका टाइटल पंद्रह वर्ड से ज्यादा है तो जो भी एग्जामिनर होगा वो सबसे पहले उस पर क्रॉस लगाएगा कि नहीं ये टाइटल आपका एक्सेप्टेबल नहीं है सेकंड टाइटल में का आप एब्रीवेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसे हैं जो कि यानी अंडरस्टूड सी हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसी टी की बात करूं इन एक आध्रीशन को टाइटल में आप यूज कर सकते हैं Otherwise, टाइटल में एब्रिवेशन जो है यूज नहीं होता ठीक है तो वो एक एम्बिगटी रहती है एम्बिगुटी इस वजह से भी रहती है कि लेट सपोज कल अगर आप एक पेपर पब्लिश करोगे उसमें अगर आप एब्रीवेशन यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई पी एफ पी कल जब मैं उसको सर्च करूंगा सर्चिंग में आज तक हमने एब्रीवियन वर्ड्स डाल के सर्चिंग की है हमने नहीं करते हैं ना तो हम उसका पूरा नाम लिखते हैं जब हम उसका पूरा नाम लिखेंगे सर्च करेंगे तो ये उस चीज को सर्च इंजन नहीं पकड़ेगा आपके पेपर को वहाँ पे आपके सामने नहीं लाएगा तो इस वजह से उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं पूरा उसका वर्ड यूज करते हैं कि कल लेट सपोज एक्स वाई कोई भी बंदा मेरा पेपर रिट्रीव करना चाहता है तो वो जब पूरा वर्ड देगा तो वो पेपर रिट्रीव होगा अदरवाइज वो रिट्रीव नहीं हो सकेगा ठीक है तो टाइटल में एब्रीवेशन को यूज ना करें वर्ड जो है आपके नॉट मोर देन फिफ्टीन वर्ड्स होने चाहिए फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च प्रोपोजल में कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है एग्जेक्यूटिव समरी लिखते हैं ठीक है तो ये डिपेंड करता है आप पे लेकिन मैं आपको एबस्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा क्योंकि यही एबस्ट्रैक्ट आपके थीसिस में भी यूज होगा और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होता है एबस्ट्रैक्ट जब आपका टाइटल होगा फिर एबस्ट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट भी हम लास्ट में लिखते हैं जब आप प्रोपोजल लिखोगे डायरेक्ट एब्रैक्ट से शुरू नहीं करोगे आप सबसे पहले आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है उस लिटरेचर रिव्यू में आप अपने मेथडोलॉजी के बारे में भी चीज़ों को जान सकोगे आप टूल के बारे में भी जान सकोगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में भी आपको पता चलेगा सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा लेकिन एक सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ पे एबस्ट्रैक्ट लिखा लेकिन एब्स्ट्रैक्ट यूजुअली लिखा जाता है आखिर में लिखा जाता है ठीक है एबस्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं अपने टॉपिक का ठीक है, फिर क्या लिखते हैं हम उसमें ऑब्जेक्टिव, आपके काम का अपने आपके रिसर्च स्टडी का जो है ऑब्जेक्टिव हम मेंशन करते हैं, कि आपका काम क्या है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है क्या अचीव करना चाहते हो थर्ड हमारे पास क्या आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिखते हैं या रिसर्च गैप को वहां पे मेंशन करते हैं रिसर्च गैप के बाद रिसर्च मेथड मेथड्स में यूज करते हैं ये क्या है ये जो चार चीज़ें हैं ये आप अपने प्रोपोजल में एबस्ट्रैक्ट में इन चीजों को ऐड कर सकते हो अगर आपका थीसिस कंप्लीट हुआ रिजल्ट्स ठीक है बाकी चीजें आ गई तो उसके बाद रिसर्च मेथड के बाद आप क्या करेंगे रिजल्ट्स ऐड कर देंगे ठीक है अपना रिज़ल्ट बताओगे कि रिजल्ट्स मेरे क्या हैं फिर जो है उसके बाद एम्प्लीकेशंस इम्प्लीकेशन्स क्या हैं आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है आपने क्या काम किया है जो रिसर्च किया है उसमें क्या ऐड किया है आपने लिटरेचर में उस चीज़ को ऐड कर दोगे ये आपका एबस्ट्रेक्ट का पूरा का पूरा कंप्लीट एक हिस्सा बनेगा ठीक है ये आपके एबस्ट्रेक्ट की बात हुई इसके बाद इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम ठीक है इंट्रोडक्शन में अगेन आप क्या करोगे सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करोगे टॉपिक बताओगे कि टॉपिक क्या है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाएंगे रिसर्च गैप भी आ जाएंगे क्वेश्चंस भी आ जाएगा डाउन करके आप अपने उस इंट्रोडक्शन में इन चीजों को बताओगे जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास बैकग्राउंड आ जाएगा रिसर्च बैकग्राउंड ठीक है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन कर लेगा कि यार बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी की क्या जरूरत है बैकग्राउंड इस तरह जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज पे काम करना चाह रहा हूं तो उसका मैं बैकग्राउंड टच लाजमंद दूंगा कि मुझे तो पता चले कि एटलीस्ट मेरा काम इस काम से या इससे रेलिवेंट किस तरह है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर एक हम थ्योरी की बात करें एडोपन की एडोपन थ्योरी की हम बात करें अगर उस थ्योरी की आप एक्सटेंशन कर रहे हो तो सबसे पहले उस थ्योरी के बारे में आप बैकग्राउंड में बताओगे कि ये थ्योरी है क्या थ्योरी क्या है थ्योरी में बताओगे फिर उसके बाद आप कहोगे कि इस थ्योरी में क्या लिमिटेशन हैं फर्दर इस पर मैं मजीद क्या काम करना चाहता हूँ आप इसके बारे में बताओगे या आप आई सी टी की बात करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड बताओगे कहाँ से शुरू हुआ किधर से आया इस पर लोगों ने क्या क्या काम किया कितने लोगों ने किस एरिए काम किया आपका काम दूसरों से किस तरह अलग है ये आप वहां पे बताओगे जब ये आप बताओगे फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बैकग्राउंड के बाद आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाओगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ठीक है आपने जो सा एरिया लिया है आप इसमें स्पेसिफिक हो जाए ठीक है स्पेसिफिक हो ओके जो है आप बताएं कि आपका प्रॉब्लम क्या है अगर आप आपका प्रॉब्लम ब्रॉड है उसको ब्रॉडर सेंस में बताएं। अगर आप समझते हो कि प्रॉब्लम के अंदर फर्दर कोई टॉपिक है उस टॉपिक में कोई गैप है तो उस गैप को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। उसको हम क्या कहेंगे रिसर्च गैप आप रिसर्च गैप बताओगे फॉर एग्जाम्पल एक है जॉब सेटिस्फेक्शन। मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया सब कुछ बता दिया अब लोगों ने भी उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है अब लोगों ने काम किया है जो मेरा काम उन लोगों से किस तरह डिफरेंस होगा मेरे काम में उनके काम में क्या डिफरेंट है जिसकी बेसिस में मैं इस रिसर्च को आगे ले जाना चाहता हूं तो वो मेरा क्या होगा रिसर्च गैप होगा अगर आप रिसर्च गैप पे जाना चाहते हो रिसर्च गैप हो जाएगा रिसर्च गैप के बेसिस पे आप क्या करोगे रिसर्च क्वेश्चंस डिजाइन करोगे रिसर्च क्वेश्चन जब आपके डिजाइन हो जाएंगे रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन होने के बेसिस पे आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए एक वर्ड यूज होता है स्मार्ट स्मार्ट हम एक वर्ड यूज करते हैं ठीक है एस मींस स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए अगर आपके ऑब्जेक्टिव पे किसी भी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत भी एम्बेगिटी हुआ आप जितना भी रिसर्च करोगे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक होना चाहिए सेकंड मयरेबल आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है आया वो मैयरेबल है आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे क्या अप्रोच यूज करोगे किस तरीके से करोगे ठीक है ए फॉर अटेनेबल आप उस ऑब्जेक्टिव को अटेन कर लोगे उस जिस स्पेसिफिक टाइम पे पीरियड पे आपने जो सोचा होगा उस पे कर सकोगे आपको रियलिस्टिक होना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स में ठीक है और लास्ट ही जो है टाइम फ्रेम जो आपने ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किया है वो ऑब्जेक्टिव आपका जो टारगेट है साल दो साल तीन साल क्या वो उस टाइम तक अचीवेबल है या नहीं है अगर है तो ठीक है आपके ऑब्जेक्टिव उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं अगर नहीं है इट मींस कि आपने ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो डिज़ाइन किए हैं, वो सही नहीं है तो इन चीज़ों को अग, जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव में हम सामने रख के जो है उसको बनाते हैं अगर इसमें कहीं पे भी किसी चीज पे भी क्वेश्चन हो तो वो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है ठीक है तो इसी तरह हमारे पास ये रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके बाद आप सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी लिख सकते हैं आप अपने स्टडी का जो है सिग्निफिकेंस बता सकते हो कि जो स्टडी कर रहे हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंट है इसका क्या स्कोप है किस एरिया में आप करना चाह रहे हो उस एरिया में उसका क्या रोल हो सकता है उसके बारे में आपने सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बतानी होगी ये क्या हुआ ये आपका रिसर्च प्रोपोजल का जो है पहला चैप्टर होगा हम अपने मैनेजमेंट साइंस में हमारी कोशिश ये होती है हम तीन चैप्टर रिसर्च प्रोपोजल में लिखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है इंट्रोडक्शन है सेकंड चैप्टर जो है लिटरेचर है थर्ड चैप्टर जो है हमारा मैथडोलॉजी है ठीक है हम सोशल या बिजनेस के लोग होते हैं हम ये तीन चैप्टर अपने रिसर्च प्रोपोजल में एड्रेस कर लेते हैं इसके लिए ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर का हिस्सा हुआ सेकेंड पे लिटरेचर की अगर हम बात करें लिटरेचर जो है आपके साथ थ्रूआउट आपकी स्टडी की जर्नी में जो है इन टच रहेगा ये नहीं कि जो सेकंड चैप्टर आप लिख रहे हैं तो उस वक्त आपको लिटरेचर करना पड़ेगा उसके बाद आपको नहीं ये गलत कंसेप्ट है आप इवन जब टॉपिक चूज करते हो वहां से लेके आखिर तक जो अपना कंक्लूजन चैप्टर होगा आखिर तक आपको जो है लिटरेचर के साथ इन टच होना पड़ेगा आपने अपने चीजों को जस्टिफाई करना पड़ेगा तो लिटरेचर जो है आपके साथ आखिर तक चल, चलता जाएगा लेकिन जो यहाँ पे हम लिटरेचर बता रहे हैं सेकंड चैप्टर में लिटरेचर रिव्यू का लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं इनडेप्थ लिटरेचर करते हैं होता क्या है जब आप टॉपिक का पता चला ऑब्जेक्टिव का पता चला चीज़ों का पता चला तो आप अपने माइंड में एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एग्जांपल हम बिजनेस में हम क्या करते हैं हमारा यूजुअली जो रिसर्च होता है काज़ एंड इफ़ेक्ट पे होता है काज़ल रिलेशनशिप पे होता है ठीक है काजल रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं वेरिएबल्स को आपस में उनका काज एंड इफ़ेक्ट को चेक करते हैं काज एंड इफ़ेक्ट के लिए आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मीडिएशन मॉडरेशन ये वेरिएबल्स होने चाहिए लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आपने रिसर्च गैप लिया है वो कहाँ पे फाल कर रहा है अगर वहाँ पे मीडिएशन की जरूरत है तो मीडिएटिंग वेरिएबल को आप ऐड करोगे अगर मॉडरेशन वेरिएबल की जरूरत है तो मॉडरेशन मॉडरेशन वेरिएबल को यूज करोगे अगर जरूरत नहीं है मीडिएशन मॉडरेशन की तो आप सिंपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप को चेक करके थ्यूरी के साथ जस्टिफाई करके आप अपने थीसिस को कंपाइल कर सकते हो ये क्वांटिटेटिव में होता है ठीक है तो डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप बनाओगे जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपके पास एक्स वाई जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वन से लेके सिक्स तक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं अब इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने क्या करना है जस्टिफाई करना है बेस्ड ऑन लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि सैलरी का जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है ठीक सैलरी का जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेशनशिप है हम कहते हैं कि सैलरी अगर बढ़ेगी तो लाजमन जॉब सेटिस्फेक्शन भी उससे बढ़ेगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस तरह प्रोपोज किया फिर मैं क्या करूंगा लिटरेचर के बेस पे इन दो वेरिएबल्स को जस्टिफाई करूंगा कि वाकई बाकी रिसर्चर्स भी इस चीज के बारे में बात करते हैं या कोई ऐसी थ्योरी है जो ये थ्योरी ये कह रही है कि अगर किसी भी इंसान के फाइनेंशियल रिसोर्स में कोई इंक्रीज़ uh, आ जाए तो उससे वो जो है सेटिसफाई हो सकता है तो उस चीज़ को जो है वो अगर जस्टिफाई करता है आप उस थ्योरी को उसी के मुताबिक जस्टिफाई करके इनका रिलेशनशिप को मेंशन करोगे जब आप इनका रिलेशनशिप को जस्टिफाई करोगे थ्योरी के बेस पे लिटरेचर के बेस पे आप फिर उसी के साथ क्या करोगे हाइपोथेसिस को प्रपोज करोगे हाइपोथेसिस वन फिर हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि सैलरी एज अ डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप विद जॉब सेटिस्फेक्शन हम इस तरह मेंशन करेंगे जित जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे इन सब को आप इसी तरह लिटरेचर के साथ जस्टिफाई करोगे जस्टिफाई करके एट द एंड आप इसके थोरिटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे ये सारे के सारे चीज़ें आपके लिटरेचर रिव्यू में आ जाएंगे ठीक है फिर अगर हम इसके बाद चले जाएँ मेथडोलॉजी पर मेथडोलॉजी तो इट्स एक बहुत ब्रॉड एरिया है उन उसमें जितना भी हम डिस्कस करें तो शायद वो चीज़ें कम है इसमें मोटी मोटी चीज़ें ये है कि आप मेथडोलॉजी में आपके लिए जो है आपका रिस्पोंडेंट जो आपका सैंपल है वो ज़्यादा मैटर करता है ठीक है पॉपुलेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैलरी जॉब सेटिसफेक्शन को रिलेशनशिप का देखना चाहते हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके रिस्पोंडेंट किस टाइप के हैं कहाँ से मिलेंगे इस टाइप के रिस्पोंडेंट लाजमन ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगे अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपने लेना है और उस ऑर्गेनाइजेशन में वाकई ये इशू हो तब उस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगे बाज़ौकात लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से जो है पॉपुलेशन चूज करते हैं कि मैंने ये काम काम करना है बस इस पॉपुलेशन को चूज किया नहीं आप उस पॉपुलेशन को चूज करोगे जहां पे यह रिसर्च गैप है जहां पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके आपस में इस चीज़ को चेक करोगे तब जाके आपके रिसर्च की कोई वर्थ होगी अदरवाइज उसकी कोई वर्थ नहीं होगी ठीक है तो आप जब पॉपुलेशन को चूज़ करोगे वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा है फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी का देखना चाहता हूँ बलूचिस्तान में आप जो है हमारे पास फिर सैम्पलिंग के मेथड्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अपनी चार पांच लिस्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो है इसी तरह हमारे पास चार अप्रोचेज हैं उसको हम यूज कर सकते हैं और जब आप सैम्पलिंग की बात करोगे सैम्पलिंग में अगर आप किसी नए मॉडल को जस्टिफाई कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज नहीं करनी पड़ेगी आपको लाजम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेनी होगी अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को लोगे इट मींस के आपके काम में अभी भी बायसनेस एग्जिस्ट करता है ठीक है क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी साम्पलिंग के अगर हम चीज़ों को डिस्कस करें उसमें इन चीज़ों को फिर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करें उसमें जो है बायसनेस के चांसेस कम है फॉर एग्जांपल अगर हम रैंडम साम्पलिंग को यूज़ करते हैं रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि अगर हम सारे टीचर्स हैं आप सात बंदे हैं आठ बंदे हैं आठ है, बंदों में से जिसका नाम निकल गया वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेगा तो उसमें जो रिलायबिलिटी है रिलायबलिटी की जो वैल्यू है ट्रस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से जब भी आप किसी नए मॉडल को या नए थोरिटिकल फ्रेमवर्क को जस्टिफाई करते हो तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम यूज़ करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ नहीं करते हैं अगर जहाँ पे आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं आप सेम मॉडल को जस्ट किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं फिर वहाँ पे जो है आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए ठीक है फिर सैम्पलिंग सांप, डिजाइन है सैम्पल सांप, का जो है साइज किस तरह कि, डिटरमिन किया जाता है उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको हम कहते हैं जी पावर ये जी पावर जहाँ पे अन पॉपुलेशन हो जहां पे आपका पॉपुलेशन डिफाइन ना हो वहां पे हम क्या करते हैं जी पावर एक सॉफ्टवेयर है ये इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपको पॉपुलेशन के बारे में पता चल जाता है कि आपने कितने लोगों से जो है सैंपल कलेक्ट करना है ठीक है जहाँ पर पॉपुलेशन आपका नौ नौ वहाँ पे सैंपल साइज़ निकालना कोई इतना इशू नहीं होता उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ होते हैं आप उस अप्रोच को यूज़ करके जो है अपने सैंपल साइज़ को निकाल सकते हैं फिर आगे जाके आप अपने जो है टूल्स बता सकते हैं कि किस मेथड को यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है तो लाजमन आपको क्वेश्चनियर पे जाना पड़ेगा क्वेश्चनियर आपको डेवलप करना पड़ेगा क्वेश्चन डेवलप करोगे तो क्वेश्चन डेवलप करने के लिए प्री टेस्ट करना पड़ेगा और अगर आप क्वेश्चन डेवलप कर रहे हैं उसमें भी हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं एक को हम यूज करते हैं एडेप्टेड दूसरा है एडाप्टेड